प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपको जो मैटर दिया जा रहा है, आपको जो पाठ्यक्रम भेजा जा रहा है, उसको आप सहर्ष बड़े आनंद के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से क्लास में आपको अध्ययन करवाया जाता है, उसी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप इन जो दिया जा रहा जो मैटर है, इनको आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतार लें और याद भी करते रहें। आज का रहेगा अपना गण परिचय। वैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी थोड़ा गण के बारे में बताया है, लेकिन गण परिचय के बारे में थोड़ा सा एक टेबल बना करके आपको फिर से उसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह समझें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने संस्कृत में गण आठ बताए, जो किस सूत्र के माध्यम से हैं, वो उस सूत्र के माध्यम से, यह माता राज भानसलगा जो आपको बताया गया है, इसके माध्यम से ये आठ जो गण हैं जिनको मैंने लिखा है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और दो होते हैं लघु और गुरु। प्रिय विद्यार्थियों, जो यगण है इसका सूत्रांश है य, जो मगण है इसका सूत्रांश है मा, इसका है ता, इसका है रा, इसका है जय, इसका है भा, इसका है ने और इसका है से। ये सूत्रांश है। सूत्रांश का मतलब है सूत्र का जो पहला जो अंश है, पहला जो वर्ण है, यह मा ता रा जय भा ने से। तो यहाँ पर यमाता का अर्थात यगण जो है उसका पहला सूत्रांश का जो वर्ण है वो यह, मगण का जो पहला है मा ता रा जय भा ने से। इस प्रकार से जो अपने सूत्र का जो पहला वर्ण है, जिस गण का जो पहला नाम है, पहला वर्ण है, वो उसको आपके सामने प्रयुक्त किया गया है, जिसका नाम है सूत्रांश। सूत्रांश का मतलब सूत्र का पहला जो अंश है वो। इसका जो स्वरूप है, जैसे यगण से बन, यह से बना है यह मा ता। प्रिय विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे कि यह में क्या है ए, तो ए लघु है, ए लघु है तो लघु। माँ में क्या है आ, तो आ क्या है दीर्घ, तो दीर्घ का चिन्ह ये है। ता है तो ता में आ है, तो इसका भी दीर्घ का चिन्ह ये है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे कि यगण का जो गण चिन्ह है वो लघु दीर्घ दीर्घ है। इसी प्रकार से मा ता रा, मगण का क्या ही बना मा तारा, मा ता रा। मै में क्या है आ, तय में क्या है आ, रे में क्या है आ, तो इनका क्या बन गया, तीनों का दीर्घ 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 बना। इसी प्रकार से ता से है ताराज, ता रा जय, ये बना। ता में आ, रा में आ, तो दीर्घ 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 लघु। इसी प्रकार से रा जय भा, रा जय भा, जिस गण से अपन गण मान रहे हैं, जिस वर्ण से गण मान रहे हैं, उससे आगे के दो अक्षर और गिन लें, इससे तीन हो गई, बाकी एक तो खुद है और खुद से आगे दो और, रा जय भा, रा जय भा। ऐसे ही जो जभान, जय भा ने, इसे बना लघु दीर्घ लघु। इसी प्रकार से भानस, भा ने से, इससे बना अपना दीर्घ लघु लघु। ऐसे ही ने सैले, ने सैले, ने सैले, इससे बना लघु लघु लघु। और सैले, सॉरी सैले गा, इससे बना लघु लघु और दीर्घ। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये गण हो गए, यहाँ पर सूत्रांश हो गया, यहाँ पर स्वरूप हुआ। स्वरूप का मतलब यमाता राजभान से यगण का क्या स्वरूप बना, तो यमाता। फिर मगण का क्या बना मातारा, तगण का क्या बना ताराज, रगण का क्या बना राजभा, जगण का क्या बना जभान, और भगण का भा ने से, और नगण का ने से ले, और सगण का ले से ले गा। इस प्रकार से इन गण चिन्हों को भी ऐसे ही प्रयुक्त किया गया है जो आपके सामने हैं। आगे का जो है आपके सामने, देखिए आगे क्या है।
इस सारणी को जो अपन ने अभी सारणी लिखी है, इस सारणी को अधोलिखित श्लोक से भी समझाया गया है। ये जो सारणी थी गण सूत्रांश स्वरूप गणचिन्ह जो हैं इनको समझाया गया है। इस सारणी को अधोलिखित श्लोक से भी समझाया गया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आदि मध्य अवसानेषु आदि मध्य अवसानेषु भजसा भय जैसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम मनौतु गुरु लाघवम। प्रिय विद्यार्थियों इसे समझो। आदि मध्य अवसानेषु आदि पहले मध्य बीच में अवसान यानी बाद में भगण जगण और सगण में यान्ति गौरवम भगण में जगण में और सगण में यान्ति मानी होते हैं गौरव मानी गुरुवर्ण। आदि पहले इसमें पहले होता है जब भगण में और मध्य में इसमें और इसमें बाद इनमें क्या होता है गुरुवर्ण। यर्ता यगण और रगण और तगण में लाघवम यानी पहले लघु यगण में और फिर रगण में बीच में और तगण में बाद में मनव तो गुरु लाघवम और मगण और नगण में मगण में मतलब तीन वर्ण गुरु होते हैं और नगण में तीन वर्ण लघु वर्ण होते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ भी लिखवा देता हूँ। अर्थ गणों में भगण से पहला वर्ण भगण में पहला वर्ण प्रिय विद्यार्थियों भगण जो है इसमें पहला वर्ण गुरु कोमा जगण में मध्य का वर्ण गुरु तथा सगण में अंतिम वर्ण गुरु वर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों समझो कि आदि मध्य अवसानेषु आदि यानी पहले मध्य यानी बीच में अवसानेषु यानी बाद में भगण में तो पहले जगण में बीच में और सगण में बाद में क्या होता है गुरुवर्ण जो आपको लिखवा भी दिया गया है कि गणों में भगण में पहला वर्ण गुरु जगण में मध्य का वर्ण गुरु तथा सगण में अंतिम वर्ण गुरुवर्ण होता है इसी प्रकार से यगण में यगण में पहला वर्ण लघु रगण में
मध्य का वर्ण लघु तथा तगण में बाद का वर्ण लघु वर्ण होता है। ये होता है, अब इसमें बता दिया। इसी वजह से आपके भगण में पहला वर्ण, जगण में बीच का वर्ण और सगण में अंतिम का वर्ण गुरु वर्ण होता है। इसी प्रकार से यगण में पहला वर्ण लघु, रगण में मध्य का वर्ण लघु तथा तगण में बाद का वर्ण लघु वर्ण होता है, लघु वर्ण होता है। मगण में तीनों वर्ण गुरु वर्ण होते हैं। तथा नगण में तीनों वर्ण लघु वर्ण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समझ गए होंगे कि आपको इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि आदि मध्य अवसानेषु भस्ता यान्ति गौरवम् यर्ता लाघवम् मनोतु गुरु लाघवम् इति। इसको आपको अच्छी तरह ये समझाया गया है कि किस गण में पहला वर्ण गुरु होता है, किस में बीच का होता है, किस में बाद का होता है, किस गण में पहला वर्ण लघु होता है, किस गण में बीच का होता है लघु, किस गण में बाद का होता है, और किस गण में तीनों वर्ण लघु होते हैं, और किस गण में तीनों वर्ण गुरु वर्ण होते हैं। इनके बारे में आपको अच्छी तरह बताया गया है। आगे आप देखेंगे कि जो अपने पास अब लघु और दीर्घ, इनको अपन मानेंगे कि किन वर्णों को तो लघु मानेंगे, किन वर्णों को दीर्घ मानेंगे, इस प्रकार से आपके सामने ये बताया जाएगा। अधोलिखित नियमों के अनुसार से लघु वर्ण को दीर्घ माना जाता है, अधोलिखित नियमानुसार, नियमों के अनुसार से लघु वर्ण को दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे पहला है अपने पास, पहला है संयुक्त वर्ण को, संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ माना जाता है। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हमारे पास, जैसे स्र है, क्ष है, त्र है, ज्ञ है। जैसे अपने पास है रक्षक है, अब इसमें क्ष है, ये दो वर्णों से बना, इसलिए इस वर्ण से पहले वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा। तो इसको मान लेंगे दीर्घ और इसको मानेंगे क्या, लघु, और इसको लघु। इसी प्रकार से आगे जैसे है गंगा, ये तो इसको क्या मानेंगे, दीर्घ, क्योंकि ये जो अने है इसका दबाव इस पर रहेगा, इसलिए इसको क्या मानेंगे, ये आगे आधा वर्ण है, आधे वर्ण से जो पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ माना जाएगा, और उसके बाद में गा है जो इसमें आ की माता है, इसलिए दीर्घ माना जाएगा। इसलिए संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो दीर्घ माना जाता है। नंबर दो, सभी दीर्घ वर्ण
दीर्घ स्वर वर्ण सभी दीर्घ स्वर वर्ण गुरु होते हैं। जैसे जापानी। अब यहां पर जय में क्या है आ, प में क्या है आ और न में बड़ी, इसलिए दीर्घ दीर्घ और दीर्घ। इस प्रकार से जो सभी दीर्घ स्वर होते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु वर्ण होते हैं। नंबर तीसरा अनुस्वार, युक्त वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ माना जाता है। जैसे अपने पास है जैसे रंग, अब रे के ऊपर अनुस्वार है, ये रे के ऊपर अंग का अनुस्वार है, इसलिए इसको क्या मानेंगे दीर्घ और इसको लघु। इस प्रकार से अगला है चौथा है, चौथा है विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त वर्ण दीर्घ माना जाता है। जैसे सह, ये अपने पास है, सह के आगे विसर्ग है, इसलिए इसको क्या मानेंगे दीर्घ। जैसे राम है, राम है तो इसको क्या मानेंगे, इसको दीर्घ और इसको दीर्घ, क्योंकि ये विसर्ग आ गया, विसर्ग होने से वो वर्ण दीर्घ माना जाएगा। पांचवा है आधे व्यंजन वर्ण से पहले, आधे व्यंजन वर्ण से पहले, पहले वाला वर्ण दीर्घ माना जाता है। जैसे अपने पास है रक्त, रक्तम, तो ये रह से आगे आधा कह है, आधा कह से पहले जो रह है ये दीर्घ माना जाएगा, दीर्घ और ये भी दीर्घ ऐसे माना जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको गणों के बारे में, गण चिन्हों के बारे में और लघु दीर्घ के बारे में, कहाँ लघु रहेगा कहाँ दीर्घ वर्ण रहेगा, इनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। आगे का वीडियो में जो आपको दिया जाएगा वो कल दिया जाएगा, इसलिए आज का जो मटेरियल पढ़ें। धन्यवाद।